नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरा नया वीडियो में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिन के बाद मुझे अपनी फैमिली के साथ मायापुर जाने का मौका मिला, इसलिए इस वीडियो में मायापुर स्कॉन टेंपल का कुछ नमूना आपको दिखाया हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप नया सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के, तब सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिसी को इस तरह वीडियो का खास जरूरत है। मायापुर स्कैन टेम्पल सिर्फ कोलकाता के ही नहीं, सारे भारत में एक फेमस प्लेस के हिसाब से माने जाते हैं। हर एक स्टेट के यानी कि देश के बाहर भी यात्री लोग यहाँ पर आते हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ बस के माध्यम से मायापुर गया था, जो आप देख पा रहे हैं। आप चाहेंगे तो ट्रेन के माध्यम से, अपने पर्सनल गाड़ी के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। यदि आप हावड़ा स्टेशन से मायापुर जाना चाहते हैं तो आप कटवा लोकल ट्रेन के माध्यम से विष्णुप्रिया स्टेशन या नवदीप धाम स्टेशन में उतरकर भी मायापुर जा सकते हैं। आप चाहें सियालदा स्टेशन के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। सियालदा स्टेशन से कृष्णनगर स्टेशन में आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद आप मायापुर जा सकते हैं। हावड़ा स्टेशन हो या सियालदा स्टेशन हो, वहाँ से मायापुर तक आपका जो डिस्टेंस है टाइम का, कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। और खर्चा जो पड़ता है जाने और आने के लिए, आपको 150 से 200 रुपया पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बस के माध्यम से गया था, जिसका कॉस्ट सिर्फ 400 रुपया पड़ा था। वन टाइम फूड और वन टाइम लंच भी मिला था, मतलब टिफिन और लंच इंक्लूड भी था, उसके लिए ओनली 400 पड़ा था। भद्रेसर से मायापुर गया था, जो कि ओनली फॉर 4 घंटा लगा था। ये जो प्लेस है, श्री चैतन्य देव का जन्म स्थान है। आप देख पा रहे हैं मायापुर का कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर लंच का भी बंदोबस्त किया जाता है, जो कि हम लोग कॉमन कूपन यूज किए थे, जिसका कॉस्ट ओनली फॉर 40 रुपीस पड़ा था, 40 रुपये। अंदर का माहौल आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर है, और यहाँ पर खाने का जो इंतजाम है वो भी आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो खाना दिया जा रहा है, कितने स्पीड में दिया जा रहा है। इसके लिए भी बहुत जन यहाँ पर खाने आते हैं। ये आपको सिर्फ 40 रुपया में मिलेगा। बहुत कुछ मिलता है, भात, दाल, सब्जी, 3 टाइप का सब्जी रहता है, और उसके साथ कुछ मीठी वाला राइस भी मिलता है, जो आप देख पा रहे हैं। और आप यदि यहाँ पर रहेंगे तो आपको वन टाइम फ्री में खाने भी मिलता है। आप चाहे तो नमहत्ता भवन, गीता भवन, गद्दा भवन में भी आप टिकट काट के खा सकते हैं। हर एक जगह का अलग अलग प्राइस रहता है। मंदिर के सामने ही आपको मिल जाएगा जब आप एंटर करेंगे। नमहत्ता भवन में 50 रुपीस में आपको लंच मिल जाएगा। आप रहना चाहेंगे तो रह भी सकते हैं, 800 रुपया लगता है पर डे, 3 से 4 जन रह सकते हैं। आप चाहेंगे तो गदा भवन में भी रह सकते हैं, उसका जो यदि आप खाना चाहेंगे, लंच करना चाहेंगे, 80 रुपीस में आपको फुल मेन्यू मिल जाएगा। राइस, मिक्स दाल, पूरी, सब्जी, पनीर, स्वीट राइस, एवरीथिंग मिलेगा आपको।
पर डे 800 रुपया आपको रेंट लग सकता है गदा भवन में। आप चाहेंगे तो भमसी भवन में भी रह सकते हैं, पर डे 850 रुपया खर्चा होता है चार जन के लिए। बट मॉर्निंग से बुकिंग करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो धर्मशाला में भी रह सकते हैं, मिनिमम चार जन रहना पड़ेगा 100 रुपया में। वर्ल्ड का फेमस मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है, जो कि 2024 दिसंबर से लेकर 2025 मार्च के अंदर ये उद्घाटन हो जाएगा। अभी हम लोग गौशाला के तरफ निकल चुके हैं। मंदिर से 10 रुपया में ये गौशाला तक आ सकते हैं, ये टोटो के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं। फाइनली हम लोग गौशाला पहुंच गए हैं। यहाँ पर गौ माता सबको खूब केयर करके रखा जाता है। पहले से इस जगह का स्पेस बहुत बड़ा है। यहाँ पर विभिन्न रकम का डेयरी मिलता है, आइटम मिलता है, घी बोलिए पनीर, मिल्क, दही, लस्सी एट्सेट्रा। कोई यहाँ पर आए बिना लस्सी खाए जाना बेकार है। अभी हम लोग निकल चुके हैं गौरांग मठ देखने के लिए। मायापुर फेरी घाट होकर आप उस पर जाना पड़ेगा सोना का गौरांग देखने के लिए, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है। उसके लिए आपको सिर्फ टिकट का दाम 3 रुपया देना पड़ेगा, और आप स्पेशल बोट में जाना चाहेंगे तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है पर हेड। जब आप हावड़ा स्टेशन से नवदीप धाम आएंगे तब आपको नवदीप धाम देख के मायापुर आना पड़ता है, लेकिन मैं बस में गया था इसलिए मैं मायापुर से फिर से नवदीप धाम जाना पड़ा। नवदीप धाम का फेमस मंदिर है सुनर गौरांग, जो कि बहुत ही फेमस है। अभी नवदीप धाम में पहुंच गए। जब वहाँ से हम लोग लौटे तो शाम हो चुका था। आप देख पा रहे हैं शाम में मायापुर का दृश्य कैसा है, हर एक जगह कितना सुंदर लग रहा है।
ये मायापुर का म्यूजियम है जो आप मंदिर के पीछे के साइड देख सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक सब दृश्य आप देख सकते हैं। इसका टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। जब शाम होगा मायापुर में तो यहाँ का जो आरती है रात के टाइम, मतलब शाम के टाइम, वो देखना ना भूलें। लेकिन मैं मंदिर के अंदर आपको ये दृश्य दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आरती शाम को आप देख सकते हैं और सुबह में भी। सुबह 7:30 के बाद शाम 4 बजे से ये मंदिर फिर से खुलता है और रात 9 बजे से बंद हो जाता है। रात में यहाँ का माहौल, इनका जो लाइटिंग है आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर है। बालीगंज के कैसे थे बांटी, आपको जिखने था बोल, आपने इशुदा एजेंसी थे के बांटी, आपने जिखने था बोल, आपने गाड़ी पार किने छोड़े जाने, आपने गाड़ी पार। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप नया सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करके, और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।